श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा प्राप्ति। ये दोनों बड़ा ही महाराज अच्छे राज घराने की महाराज राजकुमारियां थी। और जब कंस का वध किया गया प्रभु के द्वारा तो वो दोनों बहुत ज्यादा रोई, विलाप किया उन्होंने और कहा मेरे सुहाग को मिटा दिया, अरे कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया। तो मेरे श्याम सुंदर ने कहा अरे मामी हालांकि तुम्हें अब वैधव्य रूप में जीना पड़ेगा क्योंकि तुम कंस की अर्धांगिनी हो, तुम्हारे भी कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो तुम्हें कंस की धर्मपत्नी बनना पड़ा। लेकिन कंस को मैंने केवल दंड दिया, उसके साथ न्याय किया और उसके कर्मों का उसका फल दिया। मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने किसी को सताया। अच्छा सुनिए, भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना कभी किसी को दुख देते हैं। तो बोले जब सुख दुख भगवान नहीं देते तो फिर मिलता क्यों है? तो कहा मिलता इसलिए है कि हमारे कर्मों से ही भाग्य बनता है। आज का किया हुआ अच्छा कर्म आगे चल करके सौभाग्य बनेगा, आज का किया हुआ गलत कर्म आगे चल करके दुर्भाग्य बनेगा और वही महाराज तुम्हारे जीवन में आएगा जैसा कर्म करो। सुख और दुख ये क्या है? मन की वृत्तियां। मन को समझा लो कि जो मिला वो भगवान की कृपा है, फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी। किसी किसी को पत्नी सुंदर मिलती है, किसी को पत्नी सुंदर नहीं मिलती है। तो जिसकी सुंदर है वो महाराज फूलो फूलो घूम रहो, जिसकी पत्नी महाराज खूबसूरत नहीं है वो मन में सोच रहे क्या करे, मेरा तो नसीब ऐसा। तो नसीब नहीं, जो मिला उसे परमात्मा का प्रसाद समझ लीजिए, परमात्मा की इच्छा समझ लीजिए और बस अपना कर्तव्य निभाओ, बस इतना करो। क्योंकि ना महाराज पत्नी साथ जाएगी ना बच्चे साथ जाएंगे, हम लोग अपना जीवन धर्म कर्म से बिताएं वही मेरे साथ जाएंगे। ध्यान रखना, रामायण में लिखा भी है कोई न काऊ को सुख दुख दाता जगत करम भोग फल कर्म में तुम्हारे नसीब में तुम्हारे भाग्य में तुम्हें वैधव्य होना ही लिखा था देवियों, इसलिए मेरा दोष नहीं है। श्याम ने बहुत समझाया लेकिन अस्थि प्राप्ति रूठ गई और अपने मायके चली गई।
कहाँ चली गई? मायके। और कंस की ससुराल कहाँ थी? मगध, छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां मगध राजधानी का मालिक था जरासंध। जरासंध के जाकर के दरबार में दोनों पुत्रियां गिरी हैं, पिताजी मेरे मां का सिंदूर मिटा दिया उस ग्वाले कृष्ण कन्हैया ने। जरासंध की धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा, पुत्रियों तुम्हें विधवा बनाने वाला तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटाले वाले उस ग्वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, चिंता मत करो देवी। हे मेरी पुत्रियों, तुम्हारी एक एक सिसकी मेरे हृदय को बहुत दर्द पैदा कर रही है। महाराज जरासंध इधर सेना एकत्रित करने लगा, तैयारी करने लगा, कहने लगा कि जब उचित अवसर प्राप्त होगा तो मैं मथुरा पर जरूर चढ़ाई करूंगा। जरासंध की तैयारी चल रही है, उधर भगवान कन्हैया के सखा ये सभी आए थे महाराज श्याम के साथ मथुरा का मेला देखने के लिए। अंशुका मनसुका धनसुका दामा छदामी मदन संकीन गोपाल मधुसूदन मधुमंगल श्रबल तो श्री दामा अलक निरंजी रामलोटन भैरगो जितने सखा आए, कंस बध हो गया। उसके बाद में महाराज कहते हैं कन्हैया अब तो मेला करवाउन वालों कंस ही मरी गो और तेरे द्वारा मरो भैया, अब का आगे काम करेगो? कन्हैया ने कहा सखाओ थोड़ा ठहरो, मैं अपने नाना जी को जेल से निकाल दूं, जाकर के काल कोठरी के ताले तोड़वा दिए और अपने नाना श्री, कौन है कन्हैया के नाना? उग्रसेन जेल में है और नाना के भाई जिनका नाम है देवक, उनको भी जेल से छुड़ाया, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां कटवाई और कहा नाना मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बेटा कंस का वध कर दिया। नाना ने कहा अरे हे कृष्ण, ये कार्य तुम्हारे द्वारा होना निश्चित था और तुम ही तो धर्म की स्थापना कर सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भगवान श्याम सुंदर और आगे बढ़ते गए, जाकर के जिस काल कोठरी में, जिस जेल में उनके माता पिता वसुदेव और देवकी बंद हैं, उसमें जाकर के पहुंचे तो मेरे कन्हैया ने उस जेल की चौखट पर महाराज मस्तक रख दिया और कहा मेरे जन्मदाता, मेरे भाग्य विधाता, मेरे माता पिता इसी जेल में हमारे दर्शन पाने के लिए कितने दिनों से बेचारे बंद हैं, कितने दिनों से तड़प रहे हैं। भगवान कन्हैया ने उस डेहरी को प्रणाम किया और उसके बाद सैनिकों को बुला करके महाराज वो सब ताले तोड़वा दिए, अंदर गए और जा करके पहुंचे और कन्हैया ने जैसे जाकर के कहा मैया, ओ मैया, देवकी की महाराज आत्मा तृप्त हो गई, आज मेरा लाला मुझसे मिला, आज इसके मुख से मैंने मैया शब्द सुना। तो देवकी रो करके बोली मेरे बाप आ मैं तुझे अपनी छाती से लगा लूं, तू कितना सियाना हो गया, अरे मेरी आंखें हमेशा तरसती थी, जन्म तो मेरे सामने हुआ, मेरे अपने लाला को मैं देख ना पाई। और मैया रोने लगे छाती से लगा करके श्याम को, कितने दिन हो गए ना श्याम को? 11 वर्ष 59 दिन हो गए, 11 वर्ष और 59 दिन के हैं श्याम। तब मैया ने आज पहली बार अपने लाला को देखो, रोने लगी बेटा तेरे कारण तेरे मामा कंस ने मुझे कितनी यातना दी, मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए,
क्या मालूम था कि भक्तों को भी इतना सताया जाता है। भगवान की भक्ति करने वालों को कष्ट मिलते हैं और कष्ट में ही भगवान का भजन होता है और भगवान के भक्तों की परीक्षा भी होती है कष्ट में। देवकी कहती लाल जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे दुखो मेरे प्रभु नगर ढिंडोरा तेरे लिए तुम्हें लकड़ी जली कोयला भाई कोयला जली भौरा लकड़ी जली कोयला भाई कोयला जली भौरा मैं भी रही अपने पिता श्री वसुदेव जी महाराज को आज हथकड़ियों से मुक्त किया। मैया से लगकर के कन्हैया ने कहा मैया अब मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट दिया मामा कंस ने, ध्यान रखना। अब समय गुजरता चला गया। एक तरफ ये मैया है जो कन्हैया को हाथ पकड़ कहती है लाला अब ना जाइयो बेटा, अब तो मेरे ही पास रहो, अब मेरे पास ही रहो, ध्यान रखना। और उधर जितने भी सखा आए थे वो कन्हैया से बोले लाला अब तो मथुरा आए हुए कई दिन हो गए, अब अपने वृंदावन नहीं चलोगे श्याम? कन्हैया ने कहा मनसुखा छदामी दामा मधुमंगल आप सब लोग जाओ नंद बाबा के साथ बैलगाड़ी में बैठ और मैं नहीं जा पाऊंगा। और इसका मतलब यह नहीं कि मैं आऊंगा नहीं, मेरी मैया यशोदा से कह देना कि मैं आऊंगा, समय मिलेगा जरूर आऊंगा और करूंगा कोशिश में आने की। सारे सखा भगवान कन्हैया को मुंह देख रहे हैं लाला और काना काहे ना जाएगो वृंदावन, अरे क्यों नहीं जाएगो गोकुल बरसाने, हमसे गलती का हो गई। भगवान ने कहा कोई तुमसे गलती नहीं हुई है, तुम लोग जाओ। अब तुम देख रहे हो मेरी मैया यशोदा ने मुझे कितना रो करके कितना समझाया, कितना महाराज गुलाब करते हुए विदा किया और मैंने मैया से कह दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा। अब आज तो तीसरा दिन है, आज परसों है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि यदि आज मैं चला गया तो मेरी माता देवकी जो महाराज बरसों से मुझे देखने के लिए तरसती रही ये बिचारी मर जाएगी। आज नंद बाबा ने कहा ठीक है कान्हा हम जा रहे हैं। आंखों में आंसू भर के बैलगाड़ी सब तैयार कर ली और जितने भी सखा थे वो सब रोते हुए बैलगाड़ी में बैठ गए कन्हैया के बिना। आज उन्हें अच्छा तो लग नहीं रहा है, लेकिन बैलगाड़ी लेकर के महाराज नंद बाबा सीधे गोकुल लौट गए। इधर मैया यशोदा की स्थिति क्या है, जब से श्याम सुंदर को विदा किया है तब से मैया यशोदा को ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, नींद नहीं आती, चौखट पर बैठी रहती हैं। मेरो लाला मेला देखने गए है मथुरा को आए रहो होएगो, मेरो कन्हैया आए रहो होएगो। और जैसे ही बैलगाड़ी आते हुई देखी यशोदा मैया एकदम भाग पड़ी
हैं दौड़ के आई, उसमें देखा झांक करके तो सारे ग्वाल बैठे हैं, सबकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा क्यों मधुमंगल, इसमें मेरो लाला नजर ना आया रो, मेरो कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा ने कहा यशोदा इतनी पागल मत हो जाओ, अब वो नहीं आ पाएंगे, अब वो वही रहेंगे। यशोदा ने महाराज जैसे ही सुना एकदम धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, मूर्छित हो गई मैया। लोगों ने उन्हें ले जाकर के महाराज राजभवन में लिटाया, हवा की और उनके मुख में जल डाला। कई घंटे बाद मैया को होश आया तो पहला शब्द क्या निकला, लाला ओ कन्हैया, ओरे लाला कनुआ, ऐसे मैया बोली, क्योंकि मैया को महाराज कन्हैया के सिवा कुछ पसंद ही नहीं है।